सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध मार्च हो रहा है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं आरजेडी की। आरजेडी के नेता अपने विधायकों के साथ, नेता समर्थकों के साथ, विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट मार्च में उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम रजक हैं। श्याम रजक जी, क्या मैसेज देने की कोशिश? लोकतंत्र की हत्या के किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। जिस तरह हिटलर ने संसद को जलाया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी संसद की गरिमा को ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। इसी के खिलाफ आज आक्रोश मार्च है इंडिया गठबंधन का, और हम सब लोग आज यहाँ पर आक्रोश मार्च कर रहे हैं। लेकिन यह आक्रोश मार्च मेरा शुरुआत हुआ है, और ये तब तक चलता रहेगा इस तरह के कार्यक्रम जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से न हटा दें। मजक जी, आप लोग कई विधायक के साथ आप खुद उतरे हैं, लेकिन जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा? सब लोग है। कोई आप लोग तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, हम सब लोग एक हैं, पूरा इंडिया गठबंधन एक है। श्याम रजक थे और ये बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, और आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं। इधर से विधायक भी हैं। मैडम, क्या मैसेज देना है? देखिए, लोकतंत्र में, जनहित में सबको बोलने का अधिकार है। कोई भी सांसद हो, वहाँ जीत के जाते हैं तो बहुत उम्मीदों के साथ जनता जिता के भेजती है, और अगर जनहित में बात किया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो आपको तस्वीरों में आपको और दिखाते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर एमएलए और एमएलसी भी सड़क पर उतरे हैं, और आप देखिए शक्ति सिंह यादव है यहाँ पर। शक्ति जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर में सांसदों को अकारण निलंबित करके बाहर रखा गया, संसदीय लोकतंत्र में यह लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष के कर्तव्य है अपने सवालों को पूछना, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दमनकारी नीतियां अपनाई है, तानाशाही नीतियां अपनाई है, और लोकतंत्र को लहूलुहान किया है। लोकतंत्र का ये मॉडल है डेमोक्रेसी का, इसलिए इसी के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन के सभी लोग आज रोज पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। जेडीयू का कोई बड़ा नेता शक्ति जी नहीं दिख रहा है। सब लोग हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग, बड़ा है छोटा नहीं, सब नेता एक होता है, और सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को, चूंकि जिला स्तर का ये प्रदर्शन है और जिला हर जिले में है, ये सारे कार्यकर्ता सब लोग लामबंद होकर के प्रदर्शन को मूर्त रूप दे रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आरजेडी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर इस प्रोटेस्ट के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो घटना हुई है वो बिल्कुल गलत है, और इसी के बहाने इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।